कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशव सच कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतये नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म मिथिलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म मिथिलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी को सामने जगन्नाथ जी को स्तुति कर रहे थे और स्तुति करते करते क्या कह रहे थे, बोले जयति जयति देव देवकी नंदनासौ जयति जयति कृष्णा विष्णी वंश प्रदीप जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांग जयति जयति पृथु भारनास मुकुंद। इसी श्लोक को द्वारा भगवान को स्तुति कर रहे थे, बोले हे प्रभु आप तो श्री देवकी की नंदन आप हो, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का पिता कौन है, बोले भगवान। हम कहते ना तुमेव माता च पिता तुमेव तुमेव बंधु सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविण तुमेव तुमेव सर्वम मम देवदेव। भगवान तो सर्वदेव भगवान है, लेकिन होते हुए भी लेकिन वो आज किसकी दुनिया जिनकी बेटा है, लेकिन वो आज किसकी बेटा है, कहते वो देवकी की नंदन बन गए, देवकी नंदन बन गए। और उन्होंने बड़े सुंदर उनका कोमल अंग है और ये पृथ्वी का भार को नाश करने वाले और समस्त जीवों को मुक्ति देने वाले और जिनकी हंसी कुंदक पुष्प जैसे उनकी हंसी है। बोले ना हम विप्र न च नर पतिर ना पी वैश्य न शूद्र ना हम वर्णि न च गृहपतिर न वनस्थ जतिर्वा किंतु प्रद्युम्न निखिल परमानंद पूर्ण मृताब्दे गोपी भर्तो पद कमलोर्दास दासानुदास। तो महाप्रभु यहाँ पर कह रहे वास्तव रूप में जीव का असली स्वरूप क्या है। हम तो सबके सब अलग अलग परिचय देते हैं, हमारी ये परिचय हमारी ये परिचय हमारी ये परिचय, लेकिन यहाँ कह रहे हैं वास्तव रूप में जीव का असली परिचय क्या है। बोले प्रभु मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, कहते मैं नरपति नहीं हूँ,
मैं वत्स नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ, नहीं तो किसी वर्ण भी मैं हूँ, नहीं तो किसी घर का पति हूँ, नहीं तो मैं संन्यास भी नहीं, मैं वानप्रस्थी भी नहीं। फिर प्रश्न करते, फिर तुम कौन हो? कहते जीवन केवल एक ही परिचय, इसको कहते भूत भूत शुद्धि। जब कोई अर्चन करते हैं, अर्चन करने से पहले उसको ये श्लोक पढ़ना पड़ता है, क्योंकि ठाकुर जी को जो सेवा है, कहते ये जड़ अभिमान को लेकर के हम ठाकुर को पूजा नहीं कर सकते। हम अमुक है, हम अमुक है, हम अमुक है, इसलिए उसको कहते भूत अशुद्धि है। इसलिए कहते प्रभु मैं फिर क्यों कौन हूँ? कहते मैं हूँ प्रद्युम्न निखिल परमानंद पूर्ण अमृत अभय है। कहते जो हर समय प्रेम में जो डूबे हुए, जो अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड के जो मालिक है, जो संपूर्ण आनंद स्वरूप है, ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, मतलब गोपी भर्त हैं, कहते गोपियों का जो प्राण प्यारे, कहते उनका हम दासों का दासों का, ऐसे दासों का दासों का दास हम दास हैं। कहते ये जीव का असली परिचय है, यद्यपि बहुत सारी परिचय है जीव का। इसलिए हम कृष्ण का, यद्यपि हम उनको सख्य रस में उपासना कर सकते हैं, वात्सल्य रस में पूजा कर सकते हैं, भगवान को हम भगवत भाव से भगवान को हम पूजा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं जीव का सर्वश्रेष्ठ जो प्राप्ति, जीव का जो सर्वश्रेष्ठ स्थान किया है, कहते अगर कभी हम गोपियों को जो भरता, गोपियों को जो प्राण प्यारे, कृष्ण का अगर दासों का दास बन पाए, तो कहते ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। इससे बड़ा लक्ष्य जीवन में और कुछ हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? कारण क्या? बोले कारण ही, यद्यपि कृष्ण सभी का प्रेम में वशीभूत होते हैं, जो भगवान का दास है, जैसे हनुमान जी है भगवान का दास है, यद्यपि भगवान राम उनका प्रेम में वशीभूत है, हैं उनका प्रेम में वशीभूत है। इसलिए कहते ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। इसलिए यद्यपि भगवान हनुमान जी के बस में बसूत है, लेकिन ये दास्य रस है, लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ रस नहीं है। जैसे घर में कोई एक नौकर है, आप देखना दिन भर घर का काम करता है, नौकरी करता है, दिन भर झाड़ू पोछा लगाएगा, बर्तन मलेगा, सारे घर का काम काज करता है, लेकिन करने पर भी वो घर का नौकर है, घर का वो नौकर है। लेकिन जैसे तुम्हारी कोई यार दोस्त हो, कोई विशेष तुम्हारी कोई मित्र हो, अब देखना नौकर से जब बात करते हैं ना, तू तड़का करके बात करेंगे, ए तुमने ये काम नहीं किया, तुम कहाँ गया था, क्या कर रहा था, है दिन यद्यपि वो दिन भर घर का काम करता है, नहीं तू तड़का करके बात करेंगे। लेकिन अगर घर में घर की तुम्हारी कोई सहेली आ जाए, है बड़ी सहेली आ जाए, नहीं तो कोई यार दोस्त आ जाए, फिर उससे कैसे बात करोगे? ऐसे बात करोगे? नहीं बात करोगे। अभी एक नौकर से तुमको जो बोल करके जो आनंद मिलता है, अगर तुम्हारी यार दोस्त कोई आ जाए सहेली, तब तो किसको साथ में बोल करके ज्यादा आनंद मिलेगा? बोलो किसको साथ में बोल करके आनंद ज्यादा मिलेगा? हैं यार दोस्त के साथ साथ में, हैं उसके साथ में बड़े प्रेम से, अरे अभी तक तो तू कहाँ गया, तू तो आया नहीं, तुम क्या कर रहे थे, और एक जगह पर एक हैं बिस्तर पर बैठ जाएंगे, वो उसके साथ में गप्पे मारने शुरू कर देंगे उसको साथ में। इसको साथ यद्यपि ये तुम्हारी कोई काम नहीं कर रहा है, ये तुम्हारी कोई काम नहीं कर रहा है, काम तो दिन भर कौन कर रहा है, ये नौकर दिन भर काम करता है, लेकिन नौकर से बोल करके इतना आनंद तुम्हें नहीं मिलेगा जितना आनंद मिलेगा तुमको एक दोस्त को साथ में मिल करके, है क्योंकि जो दोस्त है, कभी यहाँ पर जो नौकर है, अभी यहाँ पर तो क्या हो गया, यहाँ पर तो हो गया जो प्रभु हो गया घर का मालिक है, और नौकर हो गया नौकर, नौकर हो गया नौकर है इसलिए। लेकिन जब सख्य रस में आता है ना, फिर तो यहाँ पर बराबर भावना हो जाता है, जैसे कृष्ण का दोस्त लोग है, जैसे भगवान का राम के जो दोस्त लोग हैं राम के, जैसे सुग्रीव है, विभीषण है, और कौन है, गो का चंडाल है, कहती भगवान की सबके सब ये दोस्त है। अब देखना जब राम दरबार लगता है, भगवान जितने उच्च आसन पर भगवान बैठते हैं ना,
और उनका जो दोस्त लोग उनको भी बराबर आसन मिलता है, ऐसे नहीं उनसे कोई कोई नीचे आसन नहीं, सब उनको बराबर आसन है। लेकिन इस बराबर आसन, लेकिन हनुमान कहाँ बैठता है, चरण में बैठता है, वो बराबर आसन में नहीं बैठता। क्यों, कारण क्या, ये भगवान के प्रति ऐश्वर्य भावना, ये मेरे प्रभु मैं इनका दास हूँ, हैं ये मेरे प्रभु मेरे इनका दास हूँ, इसलिए चरणों को नीचे बैठेंगे। लेकिन ये भगवान के रामचंद्र का जो दोस्त है वो बराबर आसन पर बैठेंगे, लेकिन लेकिन दूर में एक आसन पर नहीं, भगवान जिस आसन पर बैठेंगे जहाँ पर, वो सिंहासन में नहीं बैठेंगे, कहाँ पर बैठेंगे, दूर में अलग आसन में बैठेंगे, जब भी बराबर आसन देंगे। लेकिन कृष्ण का देखो, कृष्ण का जितने दोस्त है, अगर कृष्ण कहीं बैठा हुआ होगा दोस्त क्या करेगा, दूर में नहीं बैठेगा, उसको एकदम पास में जंघे के ऊपर जंघ लगा, ए कृष्ण हटका, सारे जागर तक लगा बैठ गया है। इसलिए ब्रज का जो सख्य रस है वो श्रेष्ठ है, इसलिए कहते तुम्ही कौन बड़ा लोग तुम्ही आमी सामा, इसका मतलब क्या है, कहते यहाँ पर कहते तुम्ही कौन बड़ा लोग, कृष्ण का सखा लोग कृष्ण क्या कहते, बोले किस चीज के तुम मेरे से बड़े हो, अरे तुम हम बराबर है, तेरे पिताजी का कितना बताओ, पिताजी कितना गया, बोले 9 लाख, श्री राम कहते मेरे पिताजी का 11 लाख, बोले तू बड़ा हुआ तो मैं बड़ा हुआ। और कभी कभी श्री राम के साथ में कृष्ण क्या करते हैं, कुश्ती लड़ते हैं, कुश्ती लड़ते लड़ते श्री राम कृष्ण को पछाड़ देता है और थोड़ा छाती पर बैठ जाता है, ए तू हार गया मैं जीत गया, घोड़ा बन तो घोड़ा बन, बस कृष्ण घोड़ा बन जाते हैं और उनको ढोते हैं। इसलिए कहते दास्य रस से सख्य रस हो गया श्रेष्ठ रस है, लेकिन उनसे जो श्रेष्ठ रस है कहते बात्सल्य रस है, बात्सल्य रस है। कहते यहाँ पर भक्त और भगवान यहाँ पर बराबर हो गए, बराबर हो गए, लेकिन जो उसको ऊपर जाते हैं ना, जब उसको ऊपर जाते हैं उस समय भक्त हो जाता है बड़ा और भगवान हो जाते हैं छोटा। मैया जशोदा हो गई बड़ी, भगवान राम हो गए, भक्त कृष्ण हो गए छोटे हैं। अगर कृष्ण का भी उल्टा उल्टा कर मैया के कान में बोल देते, बोले तेने मिट्टी गई, बोले कृष्ण डर गया, बोले नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, बोले सखा लोग बोल रहे तो मिट्टी खाया, बोले सब झूठ बोल रहे हैं, मैंने थोड़ी मिट्टी खाया है, मुझे झूठ बोल रहे हैं सबके सब, मेरे से बैर रखते ही सखा लोग। इसलिए यहाँ पर भगवान हो गए छोटे और भक्त हो गया बड़ा। इसलिए मैया क्या सोचती हैं, अगर मैं खाना नहीं खिलाऊंगी तो कृष्ण कहाँ से खाएंगे, हैं कृष्ण खाएंगे कहाँ से। इसलिए लेकिन कहीं कहीं दिखाई बड़ा है, कृष्ण जिसको साथ में ज़्यादा आनंद लेते हैं ना वो उतना बड़ा है, जैसे कृष्ण सखाओं के साथ में खेल रहे हैं। मैया को अभी रोसी बना चुकी है, अभी मैया की भोजन करने का समय हो गया, कृष्ण को खिलाएगी। अगर माँ जा करके बोला तो मिले कृष्णा बलराम भोजन का समय हो गया, लाला आ जाओ भोजन कर लो। लेकिन आप देखना खेल में जब बच्चे लोग खेल कूद करते हैं इतने मस्ती रहते हैं, वो खाने भी नहीं आते, मैया बुलाने पर भी वो नहीं आते हैं, वो नहीं आते हैं, नहीं आते। तो इससे क्या पता चलता है, मतलब मैया से भोजन कराने में जितने आनंद है उससे ज्यादा आनंद किसमें आ रहा है, किसमें आ रहा है, खेल कूद करने में ज्यादा आनंद आ रहा है, खेल कूद करने में उससे ज्यादा आनंद आ रहे हैं। लेकिन ज्यादा आनंद मैया के साथ में नहीं आ रहे हैं, खेल कूद में ज्यादा आनंद आ रहे हैं। तो पता क्या चलता है, माँ से ज्यादा आनंद किससे ले रहे, सखाओं के साथ में ज्यादा आनंद उनको सखाओं के साथ में आ रहे। फिर तो यहाँ कहते हैं फिर सख्य रस श्रेष्ठ होनी चाहिए, सख्य सखाओं के साथ में ज्यादा आनंद, मैया भोजन के लिए बुलाने पर भोजन के लिए आए नहीं रहे, तो सखाओं का साथ में ज्यादा आनंद है पता चलता है ना। लेकिन यहाँ पर कहते नहीं, कहते नहीं, बोले क्यों, कारण क्या है, जैसे देखना जब एक बच्चा बच्चे के साथ में खेलता है उसका जो दोस्त कभी ये सोचता नहीं कि खाया कि नहीं खाया है, लेकिन खाया कि नहीं खाया उसको कौन सोचती है, माँ सोचती, माँ सोचती है ये खाया कि नहीं खाया, ये माँ सोचती है इस बात को और कोई नहीं सोचते हैं। इसलिए यहाँ पर बात्सल रस श्रेष्ठ बताए, माँ चिंता करती है, लाड़ तारण भर्सन लालन पालन कौन करती है, माँ करती है,
शासन भी करते हैं, लालन भी करते हैं, पालन भी करते हैं, क्या खाया, कहाँ सोया और कैसे कपड़ा पहना वो कौन चिंता करती, ये माँ ही, ये चीज को माँ ही चिंता करती। इसलिए कहते हैं सख्य रस से कौन श्रेष्ठ रस है, बात्सल्य रस सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन कहते बात्सल्य रस से कहते उससे श्रेष्ठ श्रृंगार रस है, हैं जो अपना अंदर में जो जिनके अंदर में कौन सा भाव है, ये मेरे प्रियतम, मैं इनका प्रिया हूँ, ये मेरे प्रियतम हैं, जो पति पत्नी की भावना है कहते वो श्रेष्ठ है। कहते पति पत्नी की भावना होने पर देखना, जैसे पत्नी अगर एक पति अगर एक बात बोलता है, पत्नी क्या बोल देती, उसको दो बात सुना देती है, उसको कभी कभी दो बात सुन, अपनी ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये देर हो गया करने में है। इसलिए पति अगर पत्नी अगर एक होते, पति दो सुना देते हैं, पति हो तो पत्नी तीन बात सुना देती। बोले क्यों, बोले इतने घनिष्ठता इनके अंदर में, इतने मित्रता इनके अंदर में है, इनके अंदर इतने मित्रता इनके अंदर में रहती है, इतने मित्रता रहती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं वेद स्तुति हैते हरे मर्मन, मेरी जो प्रिया मेरे को गाली देती है ना, कहते वेद में मेरे को स्तुति करते हैं, मेरे को वंदना करते हैं, भगवान बोल करके वेद हमें वंदना स्तुति सब करते हैं, क्या क्या पुरुष सूक्त मंत्र के द्वारा वेद मेरी स्तुति तो करते हैं, लेकिन पत्नी की गाली में जो आनंद है उसमें वो आनंद नहीं आता है। पत्नी की गाली में जो आनंद है, गोपियाँ मेरे को टेढ़े मेढ़े काले धूर्त लंपट ये सब तो बोलती हैं, लेकिन बोलने पर उसमें ज़्यादा आनंद मुझे लगता है। बोले क्यों, बोले वो प्रेम से हमें बोलती है, इसमें बोलती हैं कि तो हमें प्रेम से गाली देती हैं, वो गाली में ही मेरे को ज़्यादा आनंद लगता है गोपियों की गाली से है। इसलिए इसलिए कहते एक स्त्री को अंदर में ये जितने सारे भाव है ना, एक स्त्री को अंदर में ये सारे स्त्री को अंदर में विद्यमान सारे भाव। अब देखना एक दोस्त तब तक उसको यार दोस्त बहुत रहते हैं जब तक उसको शादी नहीं हो जाता है, जो शादी हो जाता है ना उसका जो यार दोस्त होते धीरे 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 दूर हो जाते हैं। बोले क्यों दूर हो जाते हैं, बोले कारण ही कहते तो उसको यार दोस्त से जो आनंद मिलता था वो आनंद ये पत्नी दे देती है, ये सख्य रस से जैसे बात करते हैं ना पत्नी, ये सख्य रस से भी उसको मिलता है। और जैसे एक माँ और जो श्रृंगार रस यद्यपि विरोध है, लेकिन जैसे एक माँ क्या करती है बच्चे के लिए कपड़े धुला देती है, खाना खिलाती है, उनको हैं उनके लिए बिस्तर की व्यवस्था कर देती है, लेकिन पत्नी जब आ जाती क्या करती, पत्नी सारे काम ये पत्नी कर लेती है, हैं पत्नी सब उनको कपड़ा को प्रेस करना, कपड़ा धो देना, बिस्तर को ठीक कर देना, तेरा माँ जो कर लेती पत्नी भी वो काम कर लेती। और जो पत्नी को अंदर में जो एक पत्नी का भाव उसके अंदर में तो है ही है ये चीज़। इसलिए कहते हैं जो श्रृंगार रस में जो गोपियों को प्रेम में ये सब भाव इनके अंदर में विद्यमान है। इसलिए कृष्णा गीता में उन्होंने एक बात को बोले, बोले नपार है अहम निर्वत संजुजा, गोपियों के पास में आकर कृष्ण कहते हैं गोपियाँ मैं ब्रह्मा जैसे परमायु लेने पर भी तुम्हारी प्रेम से कभी उरी नहीं बने नहीं सकता। यद्यपि कृष्ण गीता में प्रतिज्ञा किया है ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, मैं अर्जुन मेरे को जो जितने परिमाण से भजन करता है मैं उसी अनुरूप उनको प्रेम भी प्रदान कर देता हूँ। जो भक्त मेरे को जितने भक्ति करे मैं उसको उतना परिमाण में भक्ति करके उसको अवतार रूप में उसको दान दे करके मैं उसको पूरी कर देता सब चीज को। लेकिन जब उनने गोपियों को पास में आए रासलीला में कहते मैं तुम्हारी ऋणी से कभी उऋणी नहीं हो सकता हूँ ब्रह्मा जैसे परमाई पा करके। बोले क्यों, बोले चूंकि तुम लोग मेरे लिए ना भाई बंधु पुत्र परिवार दुनिया सबको मेरे लिए तुम लोग ने छोड़ दिया है, मेरे को इतने तुम लोगों ने प्रिया प्रेम किया। इसलिए कहते गोपियों को प्रेम में कृष्ण जितने वशीभूत होते हैं और किसी को प्रेम में इतना वशीभूत कृष्ण नहीं होते। इसलिए यहाँ पर कहते प्रभु मैं कौन हूँ, बोले गोपियों का जो भक्त, मतलब गोपियों ने जैसे कृष्ण को भजन की है ऐसे जो कृष्ण, यद्यपि कृष्ण तीन कृष्ण है कहते पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम। पूर्ण कहाँ रहते हैं बताओ, जब कृष्ण द्वारका में रहते हैं वो पूर्ण है,
लेकिन वही कृष्ण जब मथुरा में रहते पूर्णता रहे, लेकिन वही कृष्ण जब वृंदावन में रहते ही पूर्णतम कृष्ण है, कृष्ण एकदम पूर्णतम कृष्ण, पूर्ण पूर्णतर और पूर्णतम। लेकिन ये तीनों कृष्ण में, कृष्ण जब वृंदावन में रहते सर्वश्रेष्ठ तो है पूर्ण, लेकिन वहां पर भी तीन कृष्ण है, सख्य रस का, पात्सल रस का और श्रृंगार रस का, ये तीन कृष्ण है, ये तीन कृष्ण है, हाँ वहाँ पर तीन तरह का कृष्ण हो गए। एक सख्य रस में जो भजन करते हैं, सखाओं का सखा, मैया जसदा का लाला और ब्रज गोपियों के प्रियतम है, प्रियतम है। लेकिन वहाँ पर होने पर भी, लेकिन वहाँ पर भी और दो कृष्ण हो जाते हैं, दो कृष्ण हैं। कहते वहाँ पर एक होता है दो तरह से, कहते हैं वहाँ पर एक स्वकीय रस से भजन करते हैं और एक है परकिया रस से भजन करते हैं कृष्ण को, हैं। लेकिन उसके अंदर में जो परकिया जो कृष्ण हैं, परकिया मतलब बिना साधी के जो उनकी जो प्रेम है ब्रज गोपियों के साथ में, कहते ये एक कृष्ण है, हैं गोपियों के साथ में। लेकिन वहाँ पर भी रूप गोस्वामी का, तो वहाँ पर भी दो तरह का कृष्ण है, कहते एक है स्वकिया है, एक परकिया है। और ये परकिया अंदर में भी कहते वहाँ पर एक है मधु स्नेह और एक घृत स्नेह है, घृत स्नेह है, वहाँ भी दो तरह का भावना से है। कहते मधु स्नेह घृत स्नेह मतलब क्या है, जैसे सहेद हम देखना उस सहेद को, कहते मधु स्नेह किसका अंदर में, घृत स्नेह किसका अंदर में, कहते जो घृत मतलब घी, कहते ये चंद्रावली का अंदर है, मतलब यद्यपि ये सब गोपियों में कृष्ण का सब प्राण प्यारे हैं, लेकिन उसमें दो सर्वश्रेष्ठ हैं, एक है राधा रानी और एक है चंद्रावली। ये सर्वश्रेष्ठ गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की दोनों प्यारी सखियाँ हैं। लेकिन जो चंद्रावली का जो भावना है, कहते इनके अंदर में ये घृत स्नेह है, और जो राधा रानी के अंदर में जो भावना मधु स्नेह है, कहते इसकी अंदर में क्या फर्क है। जैसे आप जब हम जब घी खाते हैं ना, देखना ऐसे हम घी नहीं खाते, रोटी में लगा कर खाते हैं, नहीं तो सब्जी में डाल कर खाते हैं, नहीं तो बूरा में घी डाल करके, कोई कोई बूरा में घी डाल कर उसको खाते हैं, नहीं तो घी को लड्डू के अंदर में लड्डू बनाते हैं, लड्डू बनाते कि नहीं, घी को लड्डू में बना करके घी का लड्डू खाते हैं, इसको खाते हैं, हैं? डायरेक्ट घी खाने से आनंद नहीं आएगा, प्योर बता, लेकिन किस चीज में जब खाओगे आनंद लाएगा। लेकिन कहते जो मधु जो शहद है, आप किसी तरह से भी शहद को खा सकते हो, वैसे चाट कर खा सकते हो, उसके लिए कोई जरूरत नहीं, कोई चीज़ की जरूरत नहीं। आप पानी में डाल करके पी सकते हो, नींबू डाल कर खा सकते हो, पंचामृत में खा सकते हो, वैसे शहद को तुम खा सकते हो, वैसे ही आनंद देने वाले कौन है, कहते ये मधु शहद। इसलिए कहते चंद्रावली का जो भाव है, कहती ये घृत स्नेह, राधा रानी का भाव कहती ये मधु स्नेह, कहती उसमें एक तद्यता और एक मध्यता, क्या है, हाँ ये चीज को समझ लो, कहती ये तद्यता और एक मध्यता, मतलब है राधा रानी कहती हैं कृष्ण मेरे हैं, लेकिन चंद्रावली कहती हैं मैं कृष्ण की हूँ, मैं, आप बताओ तो दोनों में कौन श्रेष्ठ होगा। कहती चंद्रावली कहती हैं मैं कृष्ण की हूँ, लेकिन राधा रानी कहते कृष्ण मेरे हैं, श्रेष्ठ कौन सा होगा, क्यों होगा, इसमें क्यों हो, किस लिए होगा। राधा रानी कहती है कृष्ण मेरे हैं, चंद्रावली कहते मैं कृष्ण की हूँ, लेकिन साधारण रूप में तुम देखोगे लगेगा चंद्रावली ही अच्छी है, क्योंकि वो कहती है मैं कृष्ण की हूँ, और राधा रानी कहती है कृष्ण मेरे हैं, साधारण रूप में क्या लगेगा, चंद्रावली का भाव श्रेष्ठ। लेकिन जब उसको सूक्ष्म रूप में विवेचना करोगे ना, कहते राधा रानी का भावना श्रेष्ठ है, बोले क्यों, चंद्रावली कहती है मैं कृष्ण की हूँ, जैसे एक बच्चा वो क्या बोले, मैं माँ की हूँ, मैं माँ की हूँ, मतलब माँ की सारे दायित्व तो मेरा है, मैया खिलाती है, कपड़ा पहनाती है, कपड़ा प्रेस करती है, कपड़ा साफ करती है, बिस्तरा सजाती है, मैं कृष्ण की, मतलब कृष्ण का सब, कृष्ण को मेरे लिए सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी कहते नहीं कृष्ण मेरे हैं, मतलब है कृष्ण का सारे दायित्व तो मेरा है, मैं सब कुछ कृष्ण के लिए करूंगी,
कृष्ण मेरे लिए नहीं, मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, इसलिए तदीय सर्वश्रेष्ठ भावना है। इसलिए यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु मैं कौन हूँ यदि ये गोपियों नहीं, अरे गोपियों में जो सर्वश्रेष्ठ कौन है, ये श्रीमती राधा रानी। ऐसे जो गोपियों का जो भर्तावर, जो राधा कांत है, जो राधा कांत जो कृष्ण है, उनके चरण की है कत पद कमल है, और उनका जो पद जो कमल का, दासों का दासों का दासों का हम दास है, कहते हम दास नहीं उनका, दासों का दास है, कहते दासों का दासों का दासों का दास क्यों कह रहे, ये दास क्यों कह क्यों नहीं कह रहे, बोले नहीं दासों का जो दास है ना उसमें ज्यादा लाभ है। आप देखना घर में जो छोटा बच्चा होता है उसको सब ध्यान रखते हैं, उसको सब प्रेम करते, बड़े को कोई पूछते हैं नहीं, जैसे कहीं मार्केट में गए बा कोई खेल कोई तुम गए किसी क्या पार्टी में गए बा कहीं मेला में कहीं जाते हो ना, अब आते समय क्या सोचते हो, किसके लिए लेकर के आने सोचते हो, छोटे के लिए, उस छोटू के लिए क्या लेकर जाए, वो जाते ही बोलेंगे मेरे लिए क्या लाए हो क्या लाए, उसको ध्यान रखते। घर में सबको सबसे ज़्यादा किसको प्यार करते, बड़े कोई गोद में बिठाता है कोई पूछता है खाने के लिए, इतना नहीं, बच्चों को सब ध्यान रखते प्यार करते छोटे बच्चों को, इसलिए बड़े होकर कोई लाभ नहीं घर में, छोटे बनकर लाभ। और घर का जितने समस्या जितने सब झट झाँ आंधी तूफान झड़ किसको पर, सब बड़े को पर, छोटे को कोई ध्यान है, वो मस्ती से खेलता कूदता कोई चिंता नहीं, खाने पीने का भी कोई चिंता नहीं करता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भैया हम तो प्रभु भगवान का दासों का दासों का हम दास बनेंगे हैं, और भक्ति जगत में जो जितने छोटे होगा ना उसका उतना ही लाभ है, बड़े होने पर तो तथा लाभ नहीं। जैसे ये कहते उनका दासों का दास क्यों बनना चाहते, बोले कार नहीं, कहते कृष्ण को अगर पूछा जाए भाई तुम हो कौन, कृष्ण को पूछोगे तुम कौन है तुम्हारी क्या परिचय है, कृष्ण बोलेंगे मैं आत्मा राम और आप तो काम हूँ, और विश्व ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ, सब दुनिया का मैं मालिक हूँ, है सारा दुनिया का मालिक हूँ, कृष्ण एक ही परिचय देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए राधा रानी को पूछा जाए मैं तुम कौन हो, राधा रानी सीधा कृष्ण को चरणों को दर्शन करते हुए बोलेंगे मैं तो ये श्याम सुंदर का मैं प्रिया इनका मैं सेविका हूँ, है। अगर ललिता विशाखा को पूछा जाए तुम कौन हो तुम कौन हो, ये क्या बोलेंगे, बोले राधा कृष्ण प्राण मोर जो गल किशोर जीवनी मरणे गति हार नाही मोर। अगर उनको पूछेंगे ना ये परिचय देंगे, राधा कृष्ण प्राण मोर जो गल किशोर, राधा कृष्ण ही मेरा प्राण है, ये जुगल किशोर मेरे प्राण है। अगर रूपमंजरी को पूछे कि भाई तुम कौन हो, बोलेंगे मैं तो ये ललिता की आनुगत्य में हम सिर्फ जुगल सरकार की सेवा करने वाले। रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंदिर को पूछोगे हैं रूप रति को, बोलेंगे इनका सबके सबका मैं दासीन हैं, इसका मतलब जब कृष्ण को ही प्रसाद बा कृष्ण को जो आनंद राधा रानी जो सेवा करती हैं जो सेवा करती हैं, ये राधा कृष्ण का पूरा आनंद किसको मिलता है, कहती सखियों का, बा कृष्ण को अंदर में जो आनंद है राधा रानी उनकी पूजा करती हैं, महाप्रभु का रूप में क्यों आए, कारण आने का यही कारण है कृष्ण देखते हैं राधा रानी मेरे को प्रेम करती हैं, लेकिन जो आनंद राधा रानी को मिलता है मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा मिलता है, इसलिए राधा जी का क्या प्रेम की महिमा, वो मेरे प्रेम को कैसे आस्वादन करती है, इनके शरीर में जो दिव्य भाव प्रकट होता है हैं किलकिंचित भाव, इनके अंदर में दिव्य उन्माद, इनके अंदर चित्त अभिजल्प संजल्प विजल्प अलग अलग जो भाव है तो मेरे अंदर में होता ही नहीं, ये राधा जी के अंदर में होता है हैं, राधा रानी के अंदर में होता है, और मेरे से करोड़ों गुण ज्यादा किसको आनंद मिलता है, राधा रानी को। अभी क्या आनंद मिलता है, इसलिए जब तक मैं स्वयं राधा जी की भाव अंग कांति नहीं लूंगा तब तक इसको आस्वादन कर ही नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कलयुग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि रूप में महाप्रभु आए वो चीज को आस्वादन करने के लिए। इसलिए कहते कृष्ण को जितना आनंद मिलता है राधा रानी को कितना आनंद मिलता है, बोले करोड़ों गुण ज्यादा। अभी राधा कृष्ण को जो उपासना करते हैं ललिता विशाखा, अभी राधा कृष्ण में जो आनंद किसको मिलता है, ललिता विशाखा को,
इनका जो रूप मंजरी, इनके अंदर में जितना आनंद सेवा करके सब इनको, ये जितना नीचे आता है ना वो आनंद बढ़ते बढ़ते जाता है। और सबसे जो नीचे रहता है, सबसे जो नीचे रहेगा क्या परिचय देगा, ये सबका में आनंद, सबका में दास है। मतलब इका रूप गोस्वामी पद्यावली में इसको कहते हैं, पद्यावली में कहते हैं, कहते सबसे ज्यादा जो आनंद है, कहते ये सबसे जो नीचे रहते हैं इनको सारा आनंद। इसलिए कहते यहाँ पर महाप्रभु कलयुग में ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के जो प्रेम उन्होंने ब्रह्मा जी की एक दिन में जो दिया था, वो दुर्लभ प्रेम राधा रानी की पाल्य दासी का जो भाव है, कहते वो भाव को देने के लिए महाप्रभु कलयुग में एक बार आते ही वो दुर्लभ वस्तु को है, मंजरी भाव है, राधा रानी की दासी भाव है, ये प्रेम को देने के लिए महाप्रभु क्या करते हैं, ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के, कहते ब्रह्मा विरिंच र वांछित जे प्रेम, ब्रह्मा विरिंच जो वस्तु प्रेम को प्रार्थना करते हैं वो प्रेम को ला करके महाप्रभु कलयुग में ये जीवों को प्रदान करते हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु उसी भाव में आकर के, महाप्रभु स्वयं भी महाप्रभु कृष्ण है लेकिन होने पर भी ये भी कभी कभी मंजरी भाव से आस्वादन करते हैं। इसलिए महाप्रभु जब समुद्र को उन्होंने जमुना ज्ञान करके उन्होंने छलांग लगा दिया, लगा करके जेली की जाल में जब निकले और महाप्रभु का भक्त लोग ढूंढ रहे हैं, महाप्रभु कहाँ महाप्रभु कहाँ, ढूंढते ढूंढते देखा है एक जेली, एक जो मछुआरा, हरी बोल भूत भूत, हरी बोल, जैसे किसी से भूत लग जाता है ना, ऐसे ऐसे नाच रही गा रहे। अमर स्वरूप दामोदर महाप्रभु का जो भक्त लोग थे, बोले ये क्या बोल रहा है, भूत भूत है, भूत भूत, मतलब लगता है जैसे भूत चढ़ गया। लेकिन जिसको भूत चढ़ जाए ना वो हरी बोल नहीं कह सकता है, बल्कि हरी बोलने पर भूत भाग जाता है। अगर किसको पर भूत का सवार हो, ठाकुर का नाम लो ना, कहते भूत पिशाच निकट नहीं आवा, हनुमान ने जब नाम सुनावा, उनका भक्तों का नाम से चले जाता है और भगवान का नाम से तो भाग ही जाएगा है। इसलिए ये क्या है, ये भूत भूत हरी बोल बोल रहा है, क्या पा चक्कर क्या है, है? इतने में स्वर्ग दामोदर के थप्पड़ मारे, थप्पड़ मारते चौंक उठा, बोले क्या बात, बोले वहां पर भूत भूत है, वो समझ गए गड़बड़ी, बोले क्या है, बोले मेरे मेरे जाल में एक भयंकर एक प्राणी निकला है। बोले कहाँ पर, बोले चलो वहां पर, जब लेकर गए महाप्रभु राधा भाव में विभाजित होकर के, जैसे कछुआ हो जाता है ना, सारा शरीर अंदर में प्रवेश कर जाता है, सारा शरीर है राधा रानी का जो भाव में महाप्रभु कृष्ण स्वयं पूरा सारा शरीर अंदर में चला गया, जैसे कछुआ का जैसे, और महाप्रभु का मुंह से फेन फेन निकल रहा है एक भयंकर जैसे रूप महाप्रभु का। तब वहां पर भक्त लोग आकर के सब मिल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब सब भक्त लोग आकर के वहां पर जब सब कीर्तन करते हैं, फिर महाप्रभु धीरे 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 उनका पूर्व अवस्था को फिर धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। फिर महाप्रभु खड़े होकर के हरि बोल करके नाचने लग जाते हैं। तब महाप्रभु कहते हैं तुम लोग मेरे को क्यों बुलाया, मैं तो राधा कुंड में, मैं राधा कृष्ण का जल विहार में देख रहा था। राधा कृष्ण जब जल क्रीड़ा करते ही हैं, उनका जल विहार जल क्रीड़ा राधा कृष्ण को देख रहा था, मेरे को यहाँ से क्यों बुलाया। इसका मतलब महाप्रभु जब राधा कृष्ण लीला करते ही, ये सखी मंजरिया क्या करती हैं, उनको दर्शन करते हुए वो आनंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए पृष्ठ यदि मुकुंदम राधिका तत् सखीना, अगर कृष्ण अगर राधा रानी को स्पर्श करते हैं, उनकी सखियों को अगर स्पर्श करते हैं, लेकिन स्वेद कंप असुर किसको अंदर में होता है, कृष्ण स्पर्श करते राधा रानी को, लेकिन राधा रानी के शरीर में जो दिव्य भाव है ना, ये सब के सब अपने आप ये मंजरियों का स्वरूप में वो अपने आप ये सब चिन्ह अपने आप दिख जाते हैं, अपने आप चिन्ह सबके सब प्रकाशित होता है।
कृष्णा मिलते हैं राधा रानी को साथ में, लेकिन जो दिव्य जो उनका जो चिन्ह ये मंजरी हमको अंदर में प्रकाश पाता है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते तम रूप मंजरी सखी प्रथितास्पुरेस्मी है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी रूप मंजरी को कह रहे, बोले देखो ब्रज में तो तुम्हारी बड़ी नाम है, बड़ी शक्ति, लेकिन तुम्हारी पति तो है नहीं, कहीं दूरदेश में है, लेकिन तुम्हारे होठ में कौन सा सुख पक्षी आकर के चोंच मार कर गए। मतलब है, इसका मतलब है राधा कृष्ण जब लीला करते हैं उनका जितने भाव ये सब मंजरियों के अंदर में अपने आप प्रकाश होता है, और उससे जितने आनंद है राधा कृष्ण को उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद जो सेवा करते हैं उनको मिलता है। जैसे घर में कभी सब्जी बनाते हो, जैसे कोई बढ़िया सब्जी बनाए, जो बढ़िया सब्जी बनाए तुम्हारे परिवार के कहीं यार दोस्त लोग आए, तुम्हारी परिवार के रिश्तेदार लोग आए, पति आए, अगर तुम्हारी सब्जी को खा करके अंगुल को चाट चाट कर खा रहे थे और बड़े तारीफ कर रहे थे, बोले क्या बनाया है, आज लगता है जैसे अमृत बना है, रोटी नहीं जैसे चांद के कोई टुकड़े हैं, हैं, और क्या सब्जी तुमने बनाया, इतना आनंद आ गया, चाट चाट कर खाए। आप देखना जो खाने वाले को जो आनंद होगा ना, जब वो थोड़ी तुम्हारी प्रशंसा करेगा, जो खिलाने वाली एकदम आनंद में गदगद हो जाए, क्यों आज मेरी बनाना सार्थकता हो गया, ये परिवार अंगूर चाट चाट कर खाए। और कोई बोले जब हम जाए ना तुम इतने सुंदर, हमारे कोई एक भक्त था ना, कोई बड़ी सुंदर प्रसाद बनाते थे, जब हम उसको घर में गए कहते महाराज जब हमारे घर में आते थे ना, बोल जब जाएंगे तुम्हारे जो हाथ को ना काट कर ले जाएंगे, क्योंकि इतने तुमने सुंदर रसोई बनाया, इतने सुंदर तुमने खाना बनाया, कभी हम खाए नहीं। वो बार बार ये चीज को याद करके हम बोलती है, और जब गुरु जी आते थे ना ये बात हमको बोलते थे, हमारे हाथ के रसोई खा करके जब जाएंगे तुम्हारे हाथ को काट कर ले जाएंगे, इतने तुम सुंदर रसोई बनाती हो। इसलिए इतना खाने वाला को जो आनंद होगा ना, जो खिलाने वालों को उससे ज्यादा आनंद लगेगा। इसलिए खाने वाले कृष्णा, लेकिन खिलाने वाले राधा रानी खिलाने वाली, लेकिन कृष्ण जो खुश हो जाते राधा रानी के प्रसाद पा करके, कृष्ण को खाने में जो आनंद है और उससे ज्यादा आनंद श्री राधा रानी को मिलता है, क्यों कहते उन्होंने बनाने वाले श्री राधा रानी। इसलिए यहाँ पर कलयुग में कहते वो ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आकर के दुर्लभ प्रेम प्रदान करते। इसलिए यहाँ पर कह रहे हम क्या बनना चाहते हैं, बोले गोपियों का जो भरता उनका जो दासों का दास बना दो। इसलिए ममा उत्तम तब कहते दासानु दास भवितास भी हो। वहां पर से चित्रकेतु महाराज भी कहते मैं क्या बनना चाहता हूँ, बोले प्रभु तुम्हारे दास के नहीं दासानु 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 दास बनना चाहता हूँ। इसे तद भृत्य तद भृत्य 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 इति स्मरमाम लोकनाथ हे प्रभु, आपका नौकर का नौकर का नौकर का नौकर हमें बना दो। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु उसी भाव से आकर के जगन्नाथ जी को प्रार्थना करते हैं, प्रभु गोपी भर तो पद कमल दास दासा दासान दास मेरे को उनका दासों का दास हमें बना दो। बोले इत बड़ी पुनरपी का प्रणाम जोड़ाते भक्त गण बंदे भगवान। इसलिए महाप्रभु ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान को वंदना कर रहे हैं, बोले उदन नृत्य प्रभु करिया हुंकार भ्रचक्र भमी भ्रम जैसे आलाताकार नृत्य प्रभुर जहाँ जहाँ पड़े पद तल ससागरा शैल मही करे टलम। महाप्रभु जिस समय हुंकार करते हुए नृत्य कर रहे थे, बोले कैसे चक्र भ्रमी भ्रम जैसे आलाताकार। उदाहरण दिया जैसे कि आग के टुकड़े ले लो, लकड़ी का हाथ का टुकड़ा, आप देखना उसको जब ऐसे बुलाना शुरू करते हो ना, देखो मेरे जो हाथ एक अंगुल तो एक है, लेकिन जब करता हूँ पूरा कैसे दिखता है, पूरा गोल दिखता है, पूरा वो गोल दिखता है, हैं। इसलिए कहते उसी तरह महाप्रभु जैसे एक आग के टुकड़ा को जैसे गोलाकार लगता है, ऐसे ही महाप्रभु ऐसे जब नृत्य कर रहे थे, महाप्रभु तो एक थे लेकिन सात दल एक साथ में प्रकट हो रहे थे। सब दल के लोग सोच रहे थे हमारे साथ में, जैसे उदाहरण देते हैं जब कृष्ण ब्रज गोपियों के साथ में जब रास में रास कर रहे थे, कृष्ण तो एक ही थे लेकिन हर गोपियां क्या देख रही थी, कृष्ण मेरे साथ में, कृष्ण हमारे साथ में, मतलब कृष्ण इतने तेजी से
कृष्ण अलाद चक्रवर्ती इतने तेजी से कृष्ण उनको साथ में नृत्य कर रहे थे, घूम रहे थे, हर गोपियां क्या स्वरूप चलती, कृष्ण मेरे साथ में ही कृष्ण ही है अलात आकार। इसलिए कहते महापुरुष जो नृत्य कर रहे थे संपूर्ण जो पृथ्वी क्या डगमग रहा था, क्यों भगवान का एक नाम विश्वम्भर अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है। कहते उनकी हैं, कहते उनके चरण को ये पृथ्वी कैसे सहन कर सकती है। इसलिए जिस समय भीष्म के साथ में भगवान क्या कर रहे थे, भीष्म को देख कर बड़ा क्रोध आया, मतलब ये बूढ़ा को आज क्या हो गया, मेरे अर्जुन के ऊपर में ऐसे बाण मार रहा है, उछाल उछाल करके लगता है मेरे अर्जुन को मार डालेगा, बोले तेरे को मैं दिखाता हूँ। हे भगवान का क्रोध आया, भगवान रथ के ऊपर से कूद पड़े और वहां के पहिया उठा करके हाथ में पहिया ले लिया। भगवान को अगर क्रोध हो उसमें उनको कोई उनका क्रोध को थोड़ी कोई शांत कर सकते। उस समय जब कृष्ण चल रहे थे ना, ये पृथ्वी डगमगा गई, पृथ्वी डगमगा गई। इतने में कृष्ण का शरीर में जो उत्तरी था वो उत्तरी नीचे गिर पड़ा। जब गिर पड़ा उत्तरी कौन, बलदेव प्रभु। कहते तो भगवान को कौन धारण कर सकते, बोले बलदेव प्रभु धारण कर सकते हैं, हैं बलदेव। इसलिए उनका नाम बलदेव, मतलब बल का सारे अधिष्ठात्री देवता। क्या उसी तरह महाप्रभु जिस समय महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे ये पृथ्वी डगमगा रही थी। बोले स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वर्ण नाना भावी विवशता गर्भ हर्षदैन्य। कहते उस समय में महाप्रभु का शरीर में ये संपूर्ण जो अष्ट साथी के जो भाव है महाप्रभु का शरीर में प्रकट होता। बोले कौन, बोले स्तंभ स्वेद पुलक अश्रु कंप वैवर्ण विवशता गर्भ हर्ष दैन्य। ये सब के सब जो प्रेम का जो आठ जो चिन्ह है ये सब के सब महाप्रभु के शरीर में ये सब के सब दिख रहा था। और महाप्रभु जिस समय आछाड़ हैया पड़े प्रभु भूमि गड़ी जाए सुवर्ण पर्वत जैसे भूमि के लौटा है। महाप्रभु के प्रेम में कभी कभी आछाड़ खा करके, हिंदी में क्या पछाड़ खा करके, महाप्रभु कभी कभी पछाड़ खा कर जमीन के ऊपर में गिर जाते। जब गिर जाते थे कैसे लगता था महाप्रभु का रंग कैसे है, एकदम तप्त कांचन जैसे, जैसे सोने को गर्म कर दो एकदम, जैसे उसमें जैसे ज्योति निकलता है तेज निकलता है। महाप्रभु का शरीर कैसे गौरांग, राधा रानी का अंग कांति लेकर के आए गौरव वर्ण के, कैसे लग रहा था जैसे सोने का जैसे पर्वत है जमीन गोबर में लौट बोट खा रहे हैं। नित्यानंद प्रभु दुई हाथ प्रसारिया प्रभु रे धरिते चाहे आस पास जाया। जब महाप्रभु नीचे गिर जाते हैं नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, अपना भुजाओं को पसार करके क्या करते हैं, उनको जाकर उनको पकड़ने के लिए कोशिश करते। क्यों, नित्यानंद प्रभु बलदेव और उनको बलदेव के सिवाय जगत में कोई उनका धारण नहीं कर सकते हैं। बोले प्रभु का छे बोले आचार्य जकर या हंकार हरी बोल बोले बार बार निताय गौर ब्रह्मानंदे हरी हरी बोल। इसलिए आचार्य क्या कर रहे हैं, आचार्य मतलब से अद्वैत आचार्य, कहते हंकार करते हुए हैं हरी बोल करते करते महाप्रभु का आगे पाछे ये घूमते रहते थे। लंडोक निवारित हैला तीन मंडल प्रथम मंडल नित्यानंद महाबल। महाप्रभु बीच में नृत्य कर रहे हैं, जब नृत्य कर रहे बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग रथ यात्रा में तुम लोग तो गए नहीं ना, हाँ लाख लाख लोग हैं, लाख लाख लोग हैं। मैं तो कभी बीच में पड़ गया था ना, हैं अब सोच नहीं, अगर कोई व्यक्ति एक बार नीचे गिर गया ना उसके ऊपर सब लोग चढ़ जाते हैं, हैं अब देखना रथ यात्रा में बहुत सारे लोग है जो लोग गिर जाते हैं उनको रख करके चार चार लोग रहते हैं, जैसे चार कंधे पर पकड़ा जैसे मरने के बाद ले जाते हैं ना, ऐसे वहाँ पर जितने ऐसे बहुत लोग जो सेवा करने वाले होते हैं, हैं हाँ मेडिकल वाले उनको क्या बोलते हैं उनको, हाँ इसलिए स्वच्छता सेवक है जो सेवा करना चाहते हैं, कोई गिर गया तो कि कोई कुछ हो गया तो उसको रख करके ले जाते हैं, हैं क्योंकि इतने भीड़ रहती है कभी कभी अगर एक बार कोई गिर गया तो उठना बड़ा कठिन है, कितना लोग उसके ऊपर चढ़ कर चले जाते हैं। मैं भी एक बार फंस गया था 2 साल पहले, हम लोग रथ यात्रा में गए थे, रथ यात्रा में गए थे तो
मैंने इतना ही कोशिश किया रथ खींचने के लिए, नहीं कम से कम रस्सी को तो थोड़ा छू लूँ, लेकिन रथ रस्सी छूना ही कठिन होता है, हैं रस्सी छूना ही कठिन होता है। क्या हो गया, रस्सी को खींच रहे थे, अभी रस्सी क्या हुआ, मुड़ गई, मुड़ गया तो रस्सी, और रस्सी इतना मोटी, एक बार अगर भीज जाएगा तो चमड़ा निकल जाएगी, ऐसे ओ रस्सी हो गया ऐसे, और हो गया जो लोग इतने भीड़ थे एक ऊपर एक गिरते गिरते जा रहे थे, जितना लोग भीड़ से सब नीचे गिरते हुए, और नीचे जो गिर रहे थे उसके ऊपर लोग चढ़ते हुए जा रहे थे, रस्सी वही पर मैं यहाँ पर हूँ, मैंने देखा मैं भी गया, लेकिन इतने भीड़ अपने आप को संभाल नहीं सकते, इतने भीड़ है संभाल नहीं सकते, मतलब मैं भी गया, लेकिन मैं जाते 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 मैं ठीक पास में आते ही उधर क्या होता है पुलिस, वहाँ पर 100-100 पुलिस लोग रहते हैं, जब देखते हैं लोग सब गिरना शुरू हो जाता है कंट्रोल से बाहर, रथ को इतना मोटा लकड़ी रहता है, रथ के सामने गिरा देते हैं, गिरा देने पर रथ डूब जाती है, हैं रथ डूब जाती है, बस तब उन्हें रथ को रोक लिया, रोक लिया तो लोग थोड़ा थम गए, मैं बच गया, नहीं तो मैं भी पिस जाता। मैं उससे उसी दिन से मैंने प्रतिज्ञा किया और उसको अंदर में भी कभी नहीं जाऊँगा, हैं अगर बहुत दूर चलते चलते जब चली जाए, जब भीड़ थोड़ा कम हो जाता है ना, फिर किसी तरह से जाकर रस्सी को थोड़ा पकड़ करके हम खींच कर घर वापस चले जाते, इतने भीड़ वहाँ पर होता है रथ यात्रा में, इतने भयंकर वहाँ भीड़ होती है, और वहाँ पर बहुत लोग है, भीड़ ही वहाँ पर है, लेकिन माताएं तो पुरुष लोगों के लिए घुसना कठिन, माता लोग तो कोई जाते नहीं, रथ खींचने के लिए कोई नहीं जाते हैं, जब रथ चलते चलते हो सकता है जब बड़ी दूर तक चले जाए, पहले तो भीड़ होता है, उसके बाद भीड़ का कम होती है, लेकिन तब भी वहाँ तक भी रस्सी छूना कठिन ही है, लेकिन जब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए कोई भी माताएं जाकर थोड़ी सी स्पर्श करके फिर चले आते हैं, लेकिन जब जगन्नाथ का रथ वापस आता है ना उस समय इतना भीड़ नहीं रहती, उस समय भीड़ कम रहती है, उस समय भीड़ है, माताएं हो तो फिर जा करके रथ को खींच सकती है, इसलिए कहते वहाँ पर जैसे महाप्रभु बीच में कीर्तन कर रहे हैं और वहाँ पर तीन मंडली बना दिया, जैसे उसका अंदर में महाप्रभु का नृत्य कीर्तन में कोई बाधा नहीं हो, जो पहला जो मंडली था कहते श्री नित्यानंद प्रभु हैं, कहते लोक निवार तो है तीन मंडल, लोगों को भीड़ को रोकने के लिए तीन ग्रुप बन गया, लेकिन प्रथम मंडल जो ग्रुप था श्री नित्यानंद प्रभु महाबलशाली हैं, बोले काशीश्वर मुकुंदादि जत भक्तगण हाथा हाथी करी भैल द्वितीय आवरण, पहले तो नित्यानंद प्रभु ऐसे हाथ से हैं, नित्यानंद प्रभु का बाहु बड़ा है, बलदेव प्रभु है, उन्होंने ऐसे महाप्रभु जो नृत्य कीर्तन कर रहे थे पूरा हाथ को ऐसे किया था, लेकिन जो दूसरा जो था कहते काशीश्वर मुकुंद जितने भक्त लोग है वो भी हाथ हाथ पकड़ करके वो भी दूसरे चक्राकार में महाप्रभु को रक्षा कर, यहाँ पर स्वयं प्रताप रुद्र महाराज हैं, महाप्रभु जब नृत्य कर रहे थे, क्योंकि यही इंद्रदुम्न महाराज जिसने मंदिर को स्थापन किया, इन्होंने क्या कर रहे थे, तीसरा जो मंडली में प्रताप रुद्र अपना पात्र लोगों को लेकर के अपना लोग को लेकर क्या कर रहे थे, उन्होंने मंडलीबद्ध होकर के लोगों को जो भीड़ को वहाँ पर दूर रख रहे थे, बोले हरि चंदन स्कंधे हस्त आर आलम्बिया प्रभुर नृत्य देखे राजा अभीष्ट भैया, कहते हरिचंदन उनका जो मेन जो सेवक था जो राजा प्रताप रुद्र उनको कंधे पर हाथ रख करके महाप्रभु का नृत्य कीर्तन को वो दर्शन कर रहे थे आनंद, और करते 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 क्या हुआ पर इसको हम कल सुनेंगे, जब महाप्रभु नाचते नाचते क्या हो रहा था, वंचाकुल दुर्भस कृपा सिंधु पावन भो वैष्णव।